हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सर, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे प्लांट को लाए हैं जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव रहता है। यहाँ पे देख पाओगे कुछ अलग ही कलर का ये प्लांट का पत्ती है। यहाँ पे देख पाओगे बिल्कुल अलग कलर का है। हम इसे लगाने वाले हैंगिंग पॉट में, मतलब इस बोतल के जरिए हम बनाएंगे हैंगिंग पॉट और उसमें हम इसको लगाने वाले हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये हैंगिंग पॉट में बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि जब ये थोड़ा और बड़ा रहता है तो ये नीचे गिरने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है तो इस पर कैरिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए हमें देखते हैं यहाँ पे एक डंडा लगाया हूँ मैं, ताकि इसे सीधा रख सकूँ, लेकिन ये सीधा रहता नहीं। रियली ये प्लांट जो है थोड़ा सा सीधा होने के बाद वो अपने आप नीचे गिर जाता है, इसलिए ये हैंगिंग पॉट में बिल्कुल सही रहेगा। तो एक ऑलरेडी मैंने एक लगाया भी है हैंगिंग पॉट में, बोतल का ही बना के। आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ और उसे लगाने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले बोतल को जो है वो कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए क्या है, तो हमें यहाँ पे किस जगह कट करना है, तो कहाँ से हम बोतल कट करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको कट करके हाफ हाफ पार्ट में बांट लेंगे, तो इतना ही पार्ट का हमें काम है इस हैंगिंग पॉट के लिए, और नीचे वाला जो पार्ट है वो किसी और पौधे के लिए हमें काम में आ जाएगा। और ये बोतल का रिसाइकल भी हो जाएगा, मतलब बोतल का यूज भी हो जाएगा। और ये प्लास्टिक जो इसका होता है बहुत ठोस होता है, इसलिए ये पॉट के लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जल्दी से ख़राब भी नहीं होता ये बोतल, ये प्लास्टिक जो है ख़राब नहीं होता, इस वजह से बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और बोतल का भी यूज हो गया है ना, तो इस बोतल का हम फेंकना भी नहीं पड़ा कहीं के कबाड़ में, तो इसका यूज़ भी हो जाएगा। चलिए हम इसको फटाफट क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए सिंपली देखो, यहाँ पे आप इस तरह से कट कर सकते हो। देखो ये वाला पार्ट जो है ये कट गया है, और इस पार्ट में जो है हम हैंगिंग पॉट बनाएंगे, और इस वाले में हम किसी और प्लांट के लिए इसको रख लेते हैं, ताकि इसको किसी और प्लांट में हम इसे लगा सकें। चलिए हम इसको इसमें लगाएंगे। इसमें लगाने के लिए तो ये वाला जो पार्ट है मैं थोड़ा हटा दूँ इसको, देखो ये हट गया। अब ये पूरा प्लेन हो गया, इसमें हम इसको लगाने वाले। लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे होल करना पड़ेगा। इस सेट और इस सेट हम इसको होल कर लेंगे, ताकि ये आसानी से इसमें जो है धागे से इसको बांध के इसको टांग सके। चलिए पहले इसको होल करते हैं। तो होल करने के लिए पहले इसको हटा लेते हैं हम ये प्लास्टिक को। तो ये वाला पार्ट देखो ये हट गया है। अब इसमें हम लगाने वाले हैं, तो पहले होल करते हैं। होल करने के लिए मैंने यहाँ एक लकड़ी ले रखा है और हमने यहाँ पे कील ले रखा है, तो इस कील से जरिए से हम इसमें होल करेंगे। तो फटाफट चलिए होल करते हैं। एक साइड हो चुका है, दूसरे साइड इधर करेंगे हम। देखो ये होल हो चुका है। अब इसमें हम जो है धागा बांध लेंगे। धागा यहाँ पे बांधने के लिए हम ये जो है इस धागे को इसमें घुसा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम जो है इसे बांध लेंगे, ताकि इसे हम जो है टांग सके कहीं पे भी, कहीं पे हैंगिंग कर सके। देखो ये, देखो ये वाला पार्ट जो है हो चुका है। अब इधर जो हमें करना है, तो एक और धागा लेना है सेम साइज का, ठीक है। तो आप किसी तरह का रस्सी ले सकते हो, ये बहुत मजबूत रस्सी है, नहीं टूटेगा ये, तो इसे भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये बांध दिया हमने, और इस साइड फिर से एक बांध देता हूँ मैं। ये देखो ये वाला पार्ट कम्प्लीट है। अब जो है मैं इसे कहीं भी इस तरह से इस कहीं पर लगा के बांध सकता हूँ। ये देखो इस तरह से हम बांध सकते हैं। चलो ठीक है, इसमें लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पौधे को हमें कट करना पड़ेगा। पौधे को कट करने के लिए हम जो इसका कोई भाग जो है वो कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो इस पौधे में आप देख पाओगे, तो यहाँ से इसका हम एक कोई पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, कोई एक ये दो ले सकते हैं। तो नीचे से आपको देखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जड़ निकले, नहीं भी निकलेगा ये प्लांट जो है वो लग जाता है। तो हम इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ से इसे खींच लेंगे। देखो
ये थोड़ा सा जर निकला भी है इसमें, तो ये वाला पार्ट जो है वो लग जाएगा। एक और हम लेते हैं ताकि दो रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि छोटा वाला अभी लेंगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पत्ता भी टूटा है, कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं यहीं पे। देखो ये वाला भी यहाँ पे कट गया है, तो दो जो है हमें मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ चौक, तो ये दोनों को हम इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे लगाने के लिए देखो, सिंपली इसको हम पानी में, सॉरी मिट्टी में डालेंगे तो ये लग जाएगा। चलिए इसको साइड करते हैं, ये वाला प्लांट को हम, तो क्या करना है हमें, जो मिट्टी देख रहे हो मिट्टी को हमें फिल करना है। थोड़ा सा इसमें मिट्टी फिल करेंगे, फिर हम इसमें पौधे को डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको फटाफट मिट्टी जो है वो डाल लेते हैं। अब ये सांझ हो चुका है अभी जो है, ये देखो ये मिट्टी हमने इसमें डाल लिया है। ठीक है, ये बहुत हद तक मिट्टी इसमें आ चुका है। अब जो है हम इसमें प्लांट डालेंगे, तो प्लांट हम इसमें डाल लेते हैं। ये देखो इसका ये जो प्लांट है, तो इसे हम इसमें बीच में साइड में इस तरह रख के, थोड़ा ज़रूरी नहीं कि साइड हो, इसे हम इस तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरा जो है इसे भी हम इस तरह से यहाँ पर रख देंगे और मिट्टी इसमें चारों साइड से फिल कर देते हैं। देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने इसमें दो लगाया, इसमें अपने आप खुद ही बहुत सारा निकल जाएगा, नीचे से बहुत निकलेगा, इसमें से नए नए ब्रांचेस जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में ही, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। अभी अंधेरा हो चुका है, पूरा शाम हो चुका है, इसलिए पूरा यहाँ पर हमें अंधेरा सा फील हो रहा है, रोशनी कम हो चुका है। चलिए कोई नहीं, फटाफट इसे लगा दिया हमने। अब इसे थोड़ा सा और मिट्टी दे देते हैं यहाँ तक, ठीक है ना, काफ़ी है। अब इसमें वाटरिंग करने का टाइम आ गया है, इसमें पानी देते हैं और उसके बाद इसे हम जहाँ पे भी हम इसे लगाना है वहाँ पे हम इसे बांध सकते हैं और टांग सकते हैं। चलिए हम इसको पानी देते हैं, तो सिंपली यहाँ पे पानी देने के लिए देखो इस तरह से आप पानी दे सकते हो, तो आप देख पाओगे ये वाला जो पौधा है वो लग चुका है। देखो इसका जो है पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये देखो इसे लग चुका है। अभी इसे हम टांगने का कहीं पे भी हैंगिंग कर देते हैं, और हैंगिंग करने के बाद ये जो है पूरा वहाँ लग जाएगा। तो चलिए इसको हैंगिंग कर देते हैं हम, तो आप देख सकते हो इस तरह हमने हैंगिंग कर दिया है ये प्लांट को। यहाँ पे देख पाओगे ये बोतल में इस तरह से हमने यहाँ पे ये बांध दिया है। देखो ये देखो हैंगिंग हो चुका है यहाँ पे, आपने देखा। तो इस तरह का हम जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस तरह का प्लांट लगा सकते हैं, अगर पॉट ना भी हो तब भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह का प्लांट का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।